हेलो दोस्तों, एक त्यौहार आ रहा है और पूरी दुनिया में बड़े ही खुशी हंसी उल्लास से मनाया जाता है 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और भारत के हर कोने में यह जयंती मनाई जाती है। और हमारा सभी भारतवासियों से एक अनुरोध है कि 14 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब जयंती के दिन आप लोग एक पौधा अपने पर्यावरण के लिए जरूर लगाएं, एक जीवन दान जरूर दें ताकि हर जयंती में एक एक पौधे आप लगाते रहें और उससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी बहुत ही सुंदर और कुशल रहेगा। और हमें एक बाबा साहब की जयंती पे पौधा का जो हम अपने महापुरुष के नाम पे लगाएंगे वो भी एक यादगार रहेगा। तो साथियों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पे एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि हम पौधे को लगाते समय हम बाबा साहब को याद करें और जब हम उस पौधे की तरफ देखें तो हमारा जो 14 अप्रैल का दिन है बाबा साहब की जयंती, वो हमें हमेशा याद आए। और मैं संतोष कुमार, मानसिक पौधशाला लालगंज, वो सभी साथियों आज 13 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल बाबा साहेब जयंती का दिन है, तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कल के दिन 14 अप्रैल बाबा साहेब जयंती के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। और सभी भारतवासियों को ये मेरा एक संदेश है। तो साथियों, जब बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में, और उसी 1990 का हमारा जन्म है, तो हम उस सन को बहुत लकी मानते हैं और वो हमारे जीवन में उस सन का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम वह महामानव B.R. अम्बेडकर, हमारे आदर्श, हमारे पूज्य ने बाबा साहब की देन है जो आज हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को बड़े ही स्वतंत्र रूप से अपने भारत वर्ष में किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी कार्य को बड़े ही स्वतंत्रता पूर्वक कोई सा भी काम बिना डरे और बिना हिचके हुए हम कर सकते हैं। इसलिए कि इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जहां भी खड़े हैं और जैसा भी हैं, हमारे जीवन में हर एक एक समय, हर एक एक पल उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, हम बाबा साहब के बहुत बड़े
भक्त तो नहीं कहेंगे पर बहुत बड़े अनुयायी हैं और हम बाबा साहब को हर वक्त याद करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी साथी बाबा साहब की जयंती को केवल एक पौधा जरूर लगाएं और बाबा साहब की जयंती को सफल बनाएं। तो साथियों धन्यवाद। मैं संतोष कुमार मानसिंह पौसाला आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मानसिंह फ्लावर के माध्यम से हम पौधे फूल पत्तियां सभी की जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो साथियों हम आज लालगंज में अगर खड़े हैं तो बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की इसमें जितना भी उनके बारे में कहा जाए बहुत ही कम है। तो साथियों अभी हम बाबा साहब को और पढ़ें और जानें, इसलिए साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।